हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वास्तविक संख्या अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पर बने रहने के लिए एक बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो पहले हम लोग इधर जो है बोला है कि जो शांत हो उसी को लिखना है। तो इससे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन किए हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन शांत है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, ये बड़ा है तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इस 2 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 बना रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि अपने से चुनना है, ठीक है, तो अपने से चुन करके बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, 17/8 जो कि शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि इसे हम लोग जब व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 17/2 होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसा ही होगा। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 17, ये सब हल हो रहा है, ठीक है, 17/2 के हर को 2n गुणे 5n के रूप में व्यक्त करने पर तो इसको हम लोग व्यक्त किए हैं, तो वही चीज 17/2 लिख देंगे और फिर गुणा में क्या लिखेंगे, इस रूप में लिखना है, तो 5 कर देंगे क्योंकि ये नीचे जो है जितना रहता है उतना ही करते हैं, तो 5^3 तो ऊपर भी 3 क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो फिर वैल्यू वहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना कर दिए हैं। अब जो है इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो ये 17 है तो 17 और गुणा में कितना है आपका, गुणा में है आपका 5, तो 5 का अगर गुणा करेंगे तो पावर में तो 125 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे गुणा करेंगे नहीं बल्कि यहाँ पे लिख देंगे 2^3 गुणे 5^3 और फिर इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, 17 है तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21/25, ठीक है, और ये दोनों में पावर सेम है तो इसलिए 2^5 सेम है तो पावर सेम कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 21/25 को जो है बट्टा में लिख करके और नीचे 2^5 क्या है, 5, तो 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 और 10^3 यानी 10^ कितना हो गया, 3। तो अब 21/25 को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 10^3 है इसका मतलब 10 पर कितना जीरो होना चाहिए, 3, यानी ये 1 पर 3 गो जीरो हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग को दशमलव पर निकालना है, दशमलव, तो ये 1, 2, 3 0 रहेगा तो इधर से गिन करके ये सेम अंक नीचे लिख देंगे, 21/25, ठीक है, और जितना जीरो रहता है उतने अंक के बाद दशमलव लगता है, जैसे 1, 2, 3 0 है तो 1, 2, 3 के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो इस तरह से जो है आपका दशमलव प्रसार शांत हो गया, यानी दशमलव प्रसार जो निकालना था शांत का तो उसका हम लोग दशमलव प्रसार निकाल दिए हैं, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह जो है आप लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें से चूज कर लीजिए, शांत और अशांत, और उसको जो है शांत वाले को ही बनाना है और उसको सोल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।